बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं जो पाकिस्तान से आ रही है। इमरान खान को रिहा करने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। तोशाखाना केस में इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इमरान की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। सेशन कोर्ट के फैसले पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इमरान की सजा को स्थगित करने का आदेश दिया है। इमरान को 3 साल की सजा मिली थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, इमरान खान को बड़ी राहत। इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। अब जेल से बाहर आ पाएंगे इमरान खान। और इस वक्त एक बड़ी खबर जो आपको हम बता रहे हैं, और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं, ग्रुप कैप्टन हैं। यूके देवनाथ जी, इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। ना सिर्फ इमरान खान को यह बड़ी राहत मिली है, बल्कि पीटीआई, उनकी पार्टी को, और इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम के लिए भी बड़ी राहत है, क्योंकि एक बड़ा नेता अब जेल से रिहा होगा। जी हां, पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, और सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बट हिंदुस्तान के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जी यही एक जरूरत है, जिससे कि पाकिस्तान में मिलिट्री और आईएसआई का दबदबा आस्ते आस्ते कम होगा। मालूम है कि पाकिस्तान में होता है की परमिशन की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने पिछले 70 साल में 35 साल तक पाकिस्तान में उन्होंने अपना दबदबा रखा है, फौजी शासन रखा है, और आज भी ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरह से किसी केस में फंसा कर, 114 से ज्यादा केसेस में इमरान खान को फंसाया हुआ है, और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अपने प्रेसिडेंट के ऊपर दबाव डाल के कोशिश कर रही है कि मिलिट्री के कोर्ट में, यानी इमरान खान के ऊपर कोर्ट मार्शल किया जाए। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो आवाम है उनको लग रहा है कि पाकिस्तान में तो किसी भी तरह से जमहूरियत नहीं चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट में अगर कोर्ट मार्शल हुआ तो वहां पर तो फौज में जैसा होता है कोर्ट मार्शल के दौरान प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जज भी फौजी होते हैं, डिफेंडर जो है, प्रोसिक्यूटर है, सब फौजी होते हैं, और फौजी प्रोसिक्यूटर और फौजी डिफेंडर ने तो केस को ऐसे चलाना है कि कुछ घंटे के अंदर ही इमरान खान को या तो एक लंबी सजा हो जाएगी या हो सकता है मौखिक सजा भी दे फौजी को। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज हमें अंदेशा हो गया है कि पाकिस्तान के लोअर कोर्ट भले ही एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में, काबू में आ गए हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के जो हाई कोर्ट है, और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अभी तक अपने सरकार के दबाव में नहीं आई है, एग्जीक्यूटिव से फ्री है। यानी शहबाज शरीफ जो इतनी कोशिश कर रहे थे, पीएमएलएन इतनी कोशिश कर रही थी कि इमरान खान को और इमरान खान के जो सहयोगी हैं उनको किसी तरह से फंसा कर उनको जेल में ही रखा जाए, ताकि अगले इलेक्शन में जो जनरल असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, नेशनल इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें सिर्फ 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 पीएमएलएन हो और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं पीडीएम की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में जमहूरियत अभी तक मुझे लगता है यूके देवनाथ जी, इतनी आसानी से जो सरकार है वो हार मानने वाली नहीं है। अभी जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, जाहिर तौर पर सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इतने सैकड़ों 114 केस है उनमें से ज्यादातर तो अभी लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट ही चल रहे हैं, और आस्ते आस्ते जो है ये सब पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। पाकिस्तान की जो सरकार है इमरान खान की इस सजा को कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस जवाब को सुप्रीम कोर्ट को कैंसिल करना है,
और दोबारा से इमरान खान के ऊपर पनिशमेंट 3 साल की जो जेल है उसको लागू करना है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान की सरकार को कोई बहुत ही लाजवाब और मजबूत दलील पेश करनी पड़ेगी। और ऐसी कोई मजबूत और लाजवाब दलील पाकिस्तान के सरकार के पास है नहीं, क्योंकि तोशाखाना केस में तो शुरू से ही जगजाहिर था कि एविडेंस जो है वो थोड़ा भ्रमित करने वाला है, क्लियर केस एविडेंस नहीं है। सिर्फ इतना ही एविडेंस है कि गिफ्ट मिले थे, इमरान खान ने उनको बेचा, और इमरान खान तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने उस पैसे को सरकारी खजाने में जमा कर दिया था, लेकिन लोअर कोर्ट ने इतने एविडेंस पर ही इमरान खान को 3 साल की सजा दे दी, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की लीगल सिस्टम में एक कमजोरी है। लेकिन हाई कोर्ट से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई नया न्यू एविडेंस मांगेगी पाकिस्तान के सरकार से, जो एविडेंस की इससे पहले किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने इससे पहले पेश नहीं किया। जी लेकिन यूके देवनाथ जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आने वाले समय में अब क्या होगा, क्योंकि 114 से ज्यादा मामले इमरान खान के खिलाफ हैं, एक मामले में ही उन्हें दोषी ठहराया गया था, जेल में डाला गया था, तो आने वाले समय में जो लीगल बैटल इमरान खान की टीम, इमरान खान जो हैं, उनको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये महज एक शुरुआत है, आने वाले समय में ऐसे तमाम फैसले आएंगे क्योंकि 114 मामले दर्ज हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया है कि इमरान खान के कई सहयोगियों को डरा धमका कर बाध्य कर लिया है कि वो पीटीआई छोड़कर भाग जाएं और सरकारी पक्ष में आ जाएं। इसी तरह से पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की कई सहयोगियों को, खास तौर से जिन्होंने लाहौर में मिलिट्री प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाई थी, उनको अरेस्ट करके अब अलग अलग जेलों में रखा है कि इमरान खान के इन सहयोगियों के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में केस चला जाएगा। इसके अलावा वहां पाकिस्तान में एक और अजीब सी चीज है कि ISI जो है उसके हाथ में अनलिमिटेड फंड होते हैं, और वो क्या करते हैं कि उस फंड के द्वारा जितने पाकिस्तान के क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं जी, और इन सब को। यूके देवनाथ जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार चांद नवाब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चांद नवाब जी, एक बड़ी खबर पाकिस्तान की आवाम के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या, ये तय मान के चले कि सरकार इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को जो राहत मिली है वो राहत बरकरार रहे। देखें, सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है, तोशा खान केस का जो फैसले को मुअत्तल किया गया है, उसमें अभी जो है फैसला, वर्डिंग जब आएगा, फैसला आएगा, उसके बाद फैसला होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाहिल करार दिया गया था तोशा खान केस का जो फैसला है, क्योंकि जो उनके वकील है इमरान खान के, उन्होंने ये कहा था कि हमें सुना नहीं गया और सजा दे दी गई है, जिसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा को मुअत्तल किया गया। अब जब पूरी आएगा, डिसीजन आएगा कि क्या है, क्या फैसला लिखा गया, उसके बाद फैसला होगा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाएगी या क्या होगा। लेकिन बहरहाल उनका फैसला मुअत्तल कर दिया गया है इमरान खान का। अब देखना है कि उनके ऊपर जो मुकदमात, बाकी 9 मुकदमात हैं, उनको उसमें क्या ये, क्योंकि एक जो मुकदमा था, दूसरे मुकदमा असरअंदाज नहीं होते, उनको जेल से 25 दिन बाद रिहाई मिलेगी, या जो दूसरे मुकदमात हैं उनके ऊपर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी इसका फैसला नहीं हो सका है, क्योंकि अदालत का जो हुक्मनामा आएगा, जब जेल जाएगा उसके बाद उनकी रिहाई होगी नहीं होगी, ये उसमें क्या लिखा गया, ये तो शाम गए पता चलेगा। चांद जी, क्या ये भी मुमकिन है कि उससे पहले जो पाकिस्तान की सरकार है, वो जो सरकारी वकील है, वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाए और चाहे कि इस मामले में इंट्रीम स्टे जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगा दिया जाए, ताकि इमरान की रिहाई ना हो पाए? ये बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी अदालतों की छुट्टियां भी हैं, ये स्पेशल कोर्ट थी जिस, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस पर स्पेशल, क्योंकि इसके, क्योंकि दरख्वास्त दी थी इमरान खान के वकीलों ने कि हमें सुना जाए, उसके फैसले के खिलाफ इस पर जो फैसला आ जाया है, ये
अच्छा फैसला है, क्योंकि तमाम लोगों को कानूनी हक जो है वो अपना कर सकते हैं। अवामी राय, अवामी हुकूमत है, जमहूरियत है, अदलिया हमारी आज़ाद है, अदलिया का फैसला है उसको सबको तस्लीम भी करते हैं और तमाम जो सियासी जमातें वो भी तस्लीम करेंगी। अब फैसला जो आखिरी वर्डिंग आएगी, पूरा लिखा हुआ तहरीरी फैसला आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि फैसले में क्या लिखा गया है कि उन्हें रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। चांद नवाब जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि इमरान खान जब जेल से बाहर आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा? जी देखें, क्योंकि इमरान खान साबिक वजीर आजम है, उनकी पार्टी भी है, अवाम में भी वो हैं और अवाम में उनको संपत्ति भी हासिल है हर तरह से, जैसे दूसरे लीडरों को हासिल है। अब क्योंकि उनके जो कारकुनान हैं उनमें खुशी की लहर भी दौड़ी है, इमरान खान एक वजीर आजम है और उनकी पार्टी है, अवाम में उनकी मकबूलियत भी है। जी यूके देवनाथ जी, आप चांद नवाब साहब को सुन रहे हैं। चांद नवाब साहब ये कह रहे हैं कि अभी डिटेल ऑर्डर नहीं आया है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है अभी कि वो इस फैसले के खिलाफ जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करें ताकि इमरान खान की जो रिहाई है वो सुनिश्चित ना हो पाए। हाँ जी हाँ, जब कोई भी कोर्ट एक वर्बल ऑर्डर देती है तो उसको हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी उसके एक तो ऑनलाइन वर्जन जारी हो जाता है और दूसरा है कि एक छपा हुआ ऑर्डर, रिटन ऑर्डर्स फ्रॉम कोर्ट भी जरूरत पड़ती है। अब पाकिस्तान की सरकार, चीफ इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो ये काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो कि सरकारी एडवाइजर होते हैं या सॉलिसिटर जनरल हैं पाकिस्तान सरकार के, जो कि लॉ मिनिस्ट्री में सबसे बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं लॉ मिनिस्टर को और पाकिस्तान सरकार को गाइड करने के लिए, उनका क्या रवैया है। अगर उनको हाईएस्ट लेवल पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली ये चाहेगी कि मामले की क्रिटिकलिटी को देखते हुए केस जो है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई छोटा मोटा वकील ना ले, होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कि ठीक है पाकिस्तान की सरकार सॉलिसिटर जनरल को या अटॉर्नी जनरल को ही आदेश दे दे कि वह आकर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखे, तो ये काम जो है काफी उच्च स्तर पर होगा। जी ये एक बड़ा उच्च स्तर पर होगा। चांद नवाब साहब, मुझे ध्यान में है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है जिसमें पीटीआई की तरफ से ये मांग कराई गई है कि समय पर ही जो आम चुनाव है वो कराए जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ 5 साल हो गए थे हुकूमत को, अब निगरा सेटअप मौजूद है और निगरा हुकूमत इलेक्शन कराएगी, क्योंकि सदर साहब ने भी कहा है कि 90 डेज में इलेक्शन हो और दीगर पार्टियां भी चाहती हैं इलेक्शन हो। तहरीक इंसाफ भी कोर्ट में गई हुई है कि इंतखाबात जो है मुकर्रर वक्त पर ही कराया जाए, ये भी अपनी जगह है, लेकिन सजा को मुअत्तल किया गया है। उसके बाद जो है दूसरे केसेस भी हैं, उनमें क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक फैसले में सजा मुअत्तल की गई है तोशा खान केस में। अब इमरान खान की रिहाई क्या क्या है ये तो अदलिया का जो फैसला आएगा उसमें होगा कि जो हमारे निगरा वजीरे कानून है या इलेक्शन कमीशन है, जो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उन पर ये मुकदमा कायम किया था जिसमें हुआ फैसला ये सजा हुई है, अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा वो उनके वकील जो है उनके कानूनी माहिर सलाह मशवरा करेंगे। इधर दूसरी जानब इमरान खान के जो वो लॉयर हैं वो भी बड़े मजे हुए लॉयर हैं, वो भी हर साल जोड़ के बैठे हुए हैं कि आइंदा का जो दूसरे केसेस में उनको किस तरह डिफाइन किया जाए, किस तरह अदालतों में लाया जाए। चांद नवाब साहब, हिंदुस्तान में जिस तरह होता है, चूंकि मैंने 15 साल अदालत की ही रिपोर्टिंग की है, कि अगर ऑर्डर डिक्टेट होता है ओपन कोर्ट में तो 1 या 1.5 घंटे में ऑर्डर की कॉपी अवेलेबल हो जाती है, चाहे वो ऑनलाइन हो, अगर कोई भी पेटिशनर चाहेगा तो फिर वो जो कोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे वो बकायदा उन्हें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर देते हैं। क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की चीजें हैं मुहैया हो जाती हैं? अगर मुहैया होती हैं तो इसका मतलब तो यही है कि इमरान खान आज ही रिहा हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये है कि क्योंकि जब ऑर्डर होता है 1 घंटे 1.5 घंटे में, क्योंकि मैं बेस कराची में हूँ, इस्लामाबाद में ऑर्डर उनके वकील ने ले लिया होगा या लेगा, क्योंकि टाइपिंग होती है तमाम चीज़ों को कानूनी देखकर लिखा जाता है, जो ऑर्डर है उनके जो रीडर हैं जज के वो उसको लिख कर देते हैं, वो कॉपी उनको मिल जाती है, वकील को उनके जो
इमरान खान के वकील है उनको मिल गई होगी, उसमें क्या ऑर्डर है। और जेल जाते हुए क्योंकि तमाम जब अदालतें बन जाती हैं तमाम रिलीफ ऑर्डर जो भी है वो 5 बजे जेलों में जाते हैं, उसके बाद रिहाई होती है, उनको 5 बजे पता लगेगा कि उनको रिहा किया जा रहा है या उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए, रात गिरफ्तार किया जा रहा है। जी यूके देवनाथ जी और चांद नवाब जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। चांद नवाब जी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, जो विशेष जानकारी दे रहे थे वो ये बता रहे थे कि शाम को 5 बजे ये क्लियर हो जाएगा कि इमरान खान जेल से आज ही रिहा होंगे या नहीं। लेकिन एक बड़ा फैसला यहां पर पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इमरान खान को आज ही रिहा किया जाए। बहरहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।